Good morning, dear student. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 11th mathematics. Student, class 11th mathematics में हम लोग chapter 7 permutation and combination के exercise 7.3 को हम लोग solve करेंगे आज. ठीक है? तो आज जो exercise 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, How many three digit number can be found by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated? Three digit के कितने number बनाए जा सकते हैं? ठीक है, किस digit का use करके? 1 to 9. ठीक है, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको जैसे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है. कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का. ठीक है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है. ठीक है, देखिए जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो जो वंस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस, तो वंस प्लेस को हम, ठीक है, कितने टाइप से फिल कर सकते हैं? 9 टाइप से. ठीक है, इसे देखिए 9 टाइप से, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, मतलब ऐसे इसमें से कुछ भी सकता, मतलब 9 टाइप. इसके इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 9 ऑप्शन हैं. ठीक है, नो डिजिट इज रिपीटेड. डिजिट रिपीट नहीं, और मतलब अगर हमने 1 को यहाँ पे राइट कर दिया, फिर 1 को यहाँ पे राइट नहीं करना है. तो अगर हम एक डिजिट को यहाँ पे राइट कर दिए, एक डिजिट हमारा क्या यहाँ क्या किए? राइट किए. अभी हमारे पास कितने डिजिट बचे? 8 डिजिट बचे. इसको हम 8 टाइप से फिल कर सकते, और इसको 7 टाइप से. ठीक है, तो वी कैन राइट दिस कैन बी डन इन 9 × 8 × 7 इक्वल टू 504 वेज. ठीक है, हम लोग देखते हैं आंसर आएगा ऐसे कितना, 504. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर? नो डिजिट, 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे जबकि डिजिट रिपीट नहीं है? तो डिजिट कहाँ से होते हैं? 0 to 9, ये क्या होते हैं हमारे पास? डिजिट. तो 4 डिजिट के कुल कितने नंबर बनते हैं या बनेंगे? ठीक है, 4 डिजिट के कितने नंबर? तो मैं इसको पूरा राइट करता हूँ. लेट द डिजिट बी 0 to 9. ठीक है, 4 डिजिट नंबर आर, 4 डिजिट नंबर आर 10P4. ठीक
नो डिजिट रिपीटेड, ठीक। 10P और मतलब 4 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे सब टोटल जो है 10P4, ठीक है। और इसमें जो है मतलब सब मिला के टोटल 10P4, ठीक है। और इसमें वो भी नंबर होंगे जो किसे स्टार्ट होंगे, जिसे 0, जैसे अगर यहाँ पे हम 0 1 2 3 राइट कर दें तो ये कितने डिजिट का, 3 डिजिट का है। मतलब उन नंबर को हटाना पड़ेगा जिनके पहले क्या आएगा, 0 आएगा। जिनके पहले क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर आउट ऑफ 9 डिजिट आर, ठीक है। 9 डिजिट को लेकर बनने वाले 3 डिजिट कितने नंबर बनेंगे, 9P3। नाइन पी थ्री के मतलब जितने 3 डिजिट के नंबर ये सब बनेंगे सब क्या होंगे, माइनस कर देंगे तो वो 4 डिजिट के नंबर क्या हो जाएंगे। मैं राइट कर देता हूँ, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर विच डू नॉट हैव 0 इन द बिगिनिंग ठीक है। 4 डिजिट के वे सभी नंबर जिनके स्टार्ट में 0 नहीं है वो क्या होंगे, 10P4। ये टोटल हो गए 4 डिजिट के नंबर, इसमें 0 भी वाले भी इंक्लूड हैं, तो इसमें से 3 डिजिट वाले नंबर क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10P4 का मीन्स क्या होगा, ठीक है, 10P4, तो इसका फार्मूला होता है 10P4 का, फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 10-4 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9-3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 10 है तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 10 में से 4 मान से कितना है, फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9 है, इसको ऐड कर देंगे क्या, 9 × 8 × 7 × 6 और 9 से कितने का फैक्टोरियल 6, तो ये इसे क्या हो गया, पेंसिल। 10 × 9 × 8 × 7 − 9 × 8 × 7, ठीक है। तो काम ले लीजिए 9 × 8 × 7, काम ले क्या बचेगा, 10-1 इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 9 टर्म समझेगा, 9 9 9 जा 81, 81 × 8 × 7, ठीक है। तो यहाँ से 8 1 जा 8 8 8 जा 64 इंटू कितना होगा, 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, 5 7 4 जा 28 28 और 5 33, 7 6 जा 42 45, ठीक है। तो 4 डिजिट के इतने नंबर होंगे जिनके स्टार्ट में 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग अपने सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 4 डिजिट नंबर दैट कन्फर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट रिपीटेड नहीं है, हाउ मेनी ऑफ दिज विल बी इवन।
ठीक है। देखिए नंबर कौन कौन से हैं, जैसे मैं डायरेक्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 डिजिट के नंबर बनाना आपको है, 4 डिजिट के नंबर बनाना, तो ये क्या हो जाएगा 10 फी, तो इसको ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कर 5 तो 5P4 हो जाएगा, 5P4, ठीक है। नंबर आर 5P4, ये कितना जाएगा, 5P4 निकालेंगे तो आप लोग 120 आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा 5P4 को, कितना आएगा 120। ठीक है, और इसमें सेकंड पार्ट पूछा कि इवेन नंबर की बात है, किसकी बात है, इवेन नंबर की, और कितने डिजिट की बनाना है, तो आप देखिए नंबर बनाना 4 डिजिट का, बॉक्स समझिए, बॉक्स से कितने डिजिट का नंबर बनाना, 4 डिजिट का, 1 2 3 4, ठीक है। तो यह जो प्लेस है इसको कितने टाइप से फिल कर सकते हैं हम लोग, हैं 2, क्योंकि इवन बनाना है, तो इवन को तो या तो 2 या तो 4 है कि नहीं, इवन नंबर बनाना है ना, जो ये नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए वन स्पेस पे क्या होना चाहिए, या तो 2 या तो 4, मतलब इसको 2 वे से हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। जब ये 2 वे से होगा तो इसको कितने वे से हम कर सकते हैं, तो 2 में से 1 वे तो यहाँ हो जाएगा, बसे कितने 4 3, और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अगर अलाउ होता तो 4 4 4 होता है यहाँ पे, तो 2 3 6 6 4 20 24 24, 2 जगह कितना आएगा 48, ठीक है। तो 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बनेंगे, 48, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ, देखिए एक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, आपके समझने के ऊपर है, क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो कर लेंगे। फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन की क्या है, कमेटी है, इसे मान लेते हैं 8 पर्सन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन कमेटी है। इन हाउ मेनी वे कैन वी चूज अ चेयरमैन, हम कितने वे से एक चेयरमैन को, ठीक है, एक चेयरमैन क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, तो जो चेयरमैन रहेगा वो वाइस चेयरमैन नहीं होगा, जो वाइस होगा वो चेयरमैन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 8 में से आपको 1 ही सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ, ठीक है। तो चेयरमैन चूज करने के लिए आपके पास कितना ऑप्शन हो गया, 8C1 और 8P1, इसका मतलब फैक्टोरियल 8 अपन फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो कितना जाएगा, 8 टाइप से क्या कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको चूज़ करने के लिए जो है, अब क्या चूज़ करना हमको है, वाइस चेयरमैन, जब एक हम चेयरमैन लिए कितने बचे हमारे पास, 7 पर्सन है कमेटी में, 7 पर्सन है, तो 7 में से किसी को क्या करना, सेलेक्ट करना है वाइस चेयरमैन, तो वाइस चेयरमैन को सेलेक्ट करने के कितने वे होंगे, 7 वे होंगे, ठीक है। और 8 पर्सन में से अ चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करने के कितने वे होंगे, 8 × 7,
कितने में होंगे, 8 इंटू 7 इक्वल कितने होंगे 56 में से, ठीक है, क्योंकि 8 में से चेयरमैन को सेलेक्ट कर सकते हैं और 7 में से वाइस चेयरमैन को, तो टोटल वे जो सेलेक्ट करने कितने हो जाएंगे 56। और देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड एन, फाइंड एन एन माइनस वन पी थ्री एन पी फोर इक्वल टू 1:9। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू, एन माइनस वन पी थ्री एन पी फोर इक्वल टू 1/9, ठीक है। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एन माइनस वन पी थ्री, इसका मीन्स वो फैक्टोरियल, एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल एन माइनस फोर। देखिए एन माइनस फोर में इसमें से इसको माइनस करेंगे, एन माइनस वन ये होता नहीं चाहिए ना, एन माइनस आर, तो एन माइनस वन से इसको माइनस करेंगे तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, ये यहाँ से होगा एन अपान एन माइनस फोर इक्वल टू 1/9। एन माइनस फोर माइनस फोर से क्या हुआ, कैंसिल, ठीक है। वी कैन राइट दिस फैक्टोरियल एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल एन इक्वल टू 1/9। फैक्टोरियल एन माइनस वन अपान एन है तो एन को बाहर करेंगे क्या मिलेगा, एन माइनस वन, एक कम होता है, इक्वल टू 1/9। ए बी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, 1/n इक्वल टू 1/9, n इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा, n इक्वल टू 9। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग आर लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इक्वेशन को यूज करके, ठीक, कंडीशन भी है कि एक लेटर सिर्फ एक ही बार होगा, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर इन इक्वेशन इक्वल टू 8। तो और एक बार में कितने ले सकते हैं, पूरे लेटर को, है ना, यूजिंग आर लेटर, ठीक है। तो कितने वे से हम ले सकते हैं, 8p8, तो 8p8 का मतलब कितना हो जाएगा, 8p8 का मतलब फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 8 माइनस 8, तो फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 0 कितना होगा, फैक्टोरियल 8,
मतलब फैक्टोरियल 8 वे से जो है हम वर्ड इक्वेशन को यूज़ करके वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।